नमस्कार। सीधी बात, नो बकवास। एक कोई छोटा मोटा सा सैंपल डाटा ना लेते हुए ऑफिस के सेटअप में, ऑफिस सिनेरियो में हम कैसे एक्चुअल डाटा लेकर ये एक्सेल पे काम करते हैं और कैसे हमको करना चाहिए, वह मैं आज आपको एक्सप्लेन करने का इस वीडियो के थ्रू कोशिश कर रहा हूँ। सुधीर आष्टा इंटरनेशनल, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने एक कोटेशन सबमिट किया है एक अपने जैसी ही बड़ी कंपनी को, जिसमें कि कुछ मटेरियल सप्लाई किया गया है। ये यूजुअल फॉर्मेट है एक कोटेशन को सबमिट करने के लिए, जिसमें जॉब का डिस्क्रिप्शन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उस कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है या कोटेशन दिया जा रहा है उसका जिक्र है यहाँ पे, बेसिक रेट इसका दिया गया है। सुधीर आष्टा इंटरनेशनल का एक हैंडलिंग चार्जेस है जो 7.5% है ऑफ बेसिक रेट। इस बेसिक रेट पे इस हैंडलिंग परसेंटेज को लगाते हुए ये हैंडलिंग चार्जेस कैलकुलेट किए गए हैं। हैंडलिंग चार्जेस प्लस बेसिक रेट से हमारा कोटेड रेट आया है। कोटेड रेट पे एक सर्विस टैक्स का परसेंटेज है जो 10% है। इस परसेंटेज के बेसिस पे सर्विस टैक्स का ये अमाउंट कैलकुलेट किया गया है। गुड्स टैक्सेस पे लगता है कोटेड रेट पे जो 15% है, और इस बेस टैक्स परसेंटेज बेसिस पे गुड्स टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट करके इस कॉलम में ये फिगर्स रखे गए हैं। प्राइस हर आइटम का इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है जो कोटेड रेट प्लस सर्विस टैक्स अमाउंट प्लस गुड्स टैक्स अमाउंट के हिसाब से वर्कआउट हुआ है। और फाइनली इस प्राइस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी टू बी सप्लाइड को, तो ये ग्रॉस टोटल अमाउंट हर यूनिट का आता है। और फाइनली इन 61 यूनिट्स जो सप्लाई की जा रही हैं, इनका टोटल 140 crore 80 lakh 45,693 rupees and 29 paisa है। ऑफिस सेटअप में जब हम इसको काम करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। एक्सेल शीट में दो तरीके के डाटा होते हैं, एक डाटा जो फिल किया गया है, दूसरा एंटर किया गया है, दूसरा डाटा वो है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यही डाटा जो फिल किया जाना है या जो एंटर किया जाना है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ है, सेम शीट है। आइए देखते हैं कि जो कैलकुलेशन है उसमें कितना समय लगता है। मैं इस समय ये स्टॉप वॉच यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। ये मैंने जैसे आपको बताया, ये बेसिक रेट के ऊपर है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ पे मैंने पूरे टोटल में पेस्ट कर दिया है। ये कोटेड रेट, बेसिक रेट प्लस सर्विस हैंडलिंग चार्जेस है, इसको यहाँ पे लिया गया है। ये मैंने ये लास्ट तक इसको पेस्ट कर दिया है। सर्विस टैक्स कोटेड रेट का 10% है मल्टीप्लाइड बाई कोटेड रेट, ये आया है, इसको मैंने पूरे में लास्ट तक पेस्ट कर दिया है। गुड्स टैक्स 15%, गुड्स टैक्स ये भी कोटेड रेट का परसेंटेज है, इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के और इसको मैंने यहाँ अंत तक कॉपी किया है। प्राइस हमारा आया है कोटेड रेट प्लस सर्विस टैक्स अमाउंट प्लस गुड्स टैक्स अमाउंट, इसको भी मैंने अंत तक लास्ट 62 आइटम्स सारे आइटम्स के लिए कॉपी किया। ये आइटम है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड, टोटल अमाउंट बनता है, इसको मैं अंत तक फिर कॉपी किया यहाँ पे और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हुए ये टोटल इस कोटेशन का वैल्यू आ गया सम। ₹140,80,52,00 और ये मैंने इसको स्टॉप किया 1:38 का यहाँ पे समय हमको लगा है। अब दूसरे मेथड जो ये था कन्वेंशनल मेथड, जैसे हम लोग सब काम करते रहे हैं इसमें सभी लोग, जबकि इस टेबल को फॉर्मेट अभी तक मैंने नहीं किया है। फॉर्मेट इन द सेंस कि कोई इसमें हाईलाइट कॉलम्स नहीं किए गए हैं, कोई रो हाईलाइट नहीं किए गए, कोई बॉर्डर्स नहीं लगाए गए हैं, कुछ भी नहीं किया है। इट्स अ प्लेन नॉर्मल एक्सेल शीट जैसे हम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये भी नॉर्मल शीट है, इसको हम लेकिन कैसे करने वाले हैं। इसमें जो डाटा एंटर करना है वो एंटर किया जा चुका है, केवल जो कैलकुलेट करना है वो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि कैसे करना है। मैं अब टाइम स्टार्ट करता हूं, अब पहले वाले में 1:38 ये मैंने रीसेट किया और टाइम मैंने अभी स्टार्ट किया। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ये जो अभी बेसिक रेट का परसेंटेज, कोटेड रेट इज इक्वल टू बेसिक रेट प्लस ये रेट, सर्विस टैक्स का अमाउंट 10% ऑफ द कोटेड रेट,
गुड्स टैक्स का अमाउंट, गुड्स टैक्स का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय द कोटेड रेट, प्राइस इज इक्वल टू दिस गुड्स टैक्स अमाउंट प्लस सर्विस टैक्स अमाउंट प्लस कोटेड रेट, दिस इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड। और ये देखिए बस इतना ही टोटल यहां पे अपने आप ही आएगा सम, ये आया है 43 सेकंड्स। ये टोटल जो समय इस समय आया हुआ है वो 43 सेकंड्स है, जबकि सारा का ये देखिए अभी आप अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पे मैंने सिर्फ एक सबसे पहले वाले रो में डाटा भरा या फॉर्मूला भरा और वो अपने आप पूरे में कॉपी हो गया। ये आप एक और चीज देखिए कि जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे तो ये हेडिंग्स यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, जबकि पहले वाली शीट में जब मैंने इसको स्क्रॉल किया तो यहाँ पे हेडिंग गायब हो गए। इसी तरीके से ये बैंडेड रोज है, जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे कंटिन्यूटी लूज नहीं कर मैं करता हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये जबकि रो का जो कलर है, लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि कलर रो में कोई कलर नहीं है। इसी तरीके से जब यहाँ पे मैं देखता हूँ फिल्टर करने के लिए, मेरे पास में ये टैब ऑटोमेटिकली यहाँ पे रखा हुआ है, पर यहाँ आने के लिए मुझे अगर फिल्टर करना होगा तो उसके लिए मुझे अलग से यहाँ ये बिठाना होगा फिल्टर का पे जाके फिल्टरिंग के लिए इसको अनेबल करना होगा, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फिल्टर यहाँ पे बना हुआ है। इसी तरीके से जब हम सॉर्ट करेंगे और मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ तो ये केवल जो ये टेबल है उतना ही डाटा फिल होता है जब सेलेक्ट होता है, जबकि यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल ए दबाऊंगा तो ये इवन हेडिंग्स वगैरह भी यहाँ पे इसके सेलेक्ट हो गए हैं, इवन टोटल वाला जो कॉलम है वो भी सेलेक्ट हो गया। जब मैं अगर इसको सॉर्टिंग करूंगा तो बड़ी मुश्किल आएंगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो आइए अब देखते हैं ये अभी हमने जो देखा वो क्या देखा और हमें ये कैसे आगे करना है। सुधीर आष्टा इंटरनेशनल का इस वीडियो से ये टिप से आप अपने एक्सेल को 5 गुना स्पीड से काम कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। सैंपल मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि कैसे काम किया जा रहा है और कैसे किया जाना है। ये सैंपल डाटा नहीं है बल्कि एक्चुअल डाटा है। अगर आप इस वीडियो को ऐसा लगता है आप इसको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी लाइकिंग को दिखाएं नीचे लाइक को क्लिक करके। और अगर आपके पास कुछ सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं, कोई टिप दूं, तो वो भी कृपया लिखें। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल करूं। अभी इस वीडियो पे आगे चलते हुए हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही हाईली पावरफुल पैकेज है, लेकिन इस पे हम बहुत ही लंबे समय से और बहुत ही लंबे समय तक काम करते हैं, ऑफिस के सेटअप में हो चाहे वो घर के सेटअप में हो, लेकिन हमने कभी भी इसकी कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल नहीं की है और हमें ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है कि हम इसकी कोई ट्रेनिंग लें। हम सीधा काम पे काम शुरू करते हैं और जैसा भी हमको समझ में आता है वैसा काम करते हैं, लेकिन हम इस कारण से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर छुपे हुए जो जादुई चिराग हैं उनको कहीं भूल जाते हैं, उसके मिरेकल से हम अनअवेयर रह जाते हैं। अपने आने वाले वीडियोस में और इन वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की छुपी हुई ताकतें, इसके जादुई चमत्कार वो क्या हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक ऐसी डेडली हैबिट जो हमने कहीं ना कहीं पाल रखी है बिकॉज हमारी कोई ट्रेनिंग फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से शीट को जिस तरीके से शीट होनी चाहिए वैसे नहीं होती है। हम कहीं ना कहीं शीट को कभी वर्ड की तरीके से भी काम करते हैं, उसमें लेटर्स भी लिखना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, काइंड ऑफ रिपोर्ट जैसी बना देते हैं। और ये जो डेडली हैबिट जिसकी वजह से एक ऐसी डेडली हैबिट जो हमने पाल के रखी हुई है वो है सेल को मर्ज करने का, और इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। इस पहले वाले वीडियो का टेक अवे हमारा क्या था कि हमें 2 शीट एक्चुअली तैयार करनी चाहिए, जिसमें एक शीट डाटा शीट होगी जिसके अंदर प्योर डाटा होगा, कोई भी किसी भी तरीके का एनालिसिस नहीं होगा। जो डाटा भी आपने हमने देखा वो डाटा ही भरा हुआ है, केवल डाटा है, उसके अंदर कोई किसी तरीके का एनालिसिस नहीं है। टॉप रो हेडिंग रो उसकी होनी चाहिए, कोई भी सेल की मर्जिंग किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको रिपोर्ट शीट एक बनानी है, किस डाटा के बेसिस के ऊपर में कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई एनालिसिस करना है, तो वो एक अलग शीट बनेगी, डाटा की शीट है वो प्योर शीट रहेगी। फीडबैक वीडियो 1 के ऊपर बहुत सारे मेरे मित्रों ने, पहचान वालों ने फोन कॉल किए हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छा टिप दिया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं
तो कृपया उसके नीचे लाइक में जरूर क्लिक करें। उन्होंने हमारे साथियों ने ये भी बताया है कि ये एक्सेल को तब से इस्तेमाल कर रहे हैं जब ये सबसे पहले आया, 94-95 के आसपास जब भी ये फर्स्ट अपीयरेंस हुआ है तब से एक्सेल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने उस समय प्रेजेंट किया वो उनको इतने साल 20 साल के बाद भी इनको अभी तक ये पता नहीं था कि इस टाइप का एक कोई टिप एग्जिस्ट करता है, इसमें एक पावर एग्जिस्ट करता है, और उनको बहुत ही फील हुआ कि ये उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कि जो साथी संगी है वो भी इसका एडवांटेज ले, तो और मुझे पूरा विश्वास है कि आप चाहते हैं कि आपके बाकी साथी, आपके फैमिली मेंबर्स सब इस चीज़ का फायदा उठाएं, तो कृपया कृपया इस वीडियो को भी शेयर करें, पुराने वाले वीडियोस को भी शेयर करें। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि एक्सेल में कैसे हमको एक्सेलेंट वर्क करना है, हाउ डू वी एक्सेल इन एक्सेल। तो इसके लिए दूसरा जो एक टिप मैं अभी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, आपने उसका नमूना ऑलरेडी देखा है कि कैसे हमने पांच गुना स्पीड से हमने काम किया है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वर्कशीट में जब हम काम करते हैं प्राइमरीली, एक तो हम उसके अंदर डाटा एंटर करते हैं, दूसरा उसके जो सेल्स हैं अलग अलग सेल्स उनको फॉर्मेट करते हैं, नंबर सेल्स जैसे नंबर कॉमा हमको किस हिसाब से लगाना है, कितने डेसिबल प्लेसेस लगाने हैं वो फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मूले और फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। अभी फार्मूला हमने देखा कैसे फार्मूला लगाया और एक सम का फंक्शन उसके अंदर हमने सम का फार्मूला लगाया, डाटा को हम अपनी शीट के अंदर में सॉर्ट करते हैं और फिल्टर करते हैं। यही प्राइमरीली यही पाँच काम हम अपनी एक वर्कशीट के साथ में करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं शीट के साथ में ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कि हम कैसे जो हमको डाटा फिल करना है वो तो फिल करना ही है, जो एंटर करना है उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। भले ही वो डाटा हम कहीं और से भी लेके आए लेकिन तभी भी हमको वो डाटा उस जगह पे भले ही फिल करना पड़ेगा। हम ये भी चाहते हैं कि जो भी डाटा जो हमको फिल नहीं करना है, जिस पे मैनुअल वर्क नहीं करना है, वो जितना ज़्यादा हो सके वो ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेट हो जाए। जैसे कि हम अगर जैसे मैंने एक रो में या एक सेल में फॉर्मूला फिट किया, वो आपने देखा कैसे ऑटोमेटिकली उस सेल के नीचे वाले पूरे कॉलम के अंदर हर सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। जब मैंने एक सेल को फॉर्मेट किया तो वो ऑटोमेटिकली सारी सेल नए सेल में भी वो फॉर्मेटिंग अपने आप ही हो जाती है। डाटा को ये वर्कशीट को हैंडल करना बहुत इजी होना चाहिए, सॉर्टिंग इजी होनी चाहिए, फिल्टरिंग इजी होनी चाहिए। हमने एक्चुअली देखा है ये सॉर्टिंग बहुत इजी होती है क्योंकि पूरा डाटा एक साथ कॉपी हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से फिल्टरिंग का बटन अपने आप लग जाता है और फिल्टर भी आसान हो जाता है। और इसी तरीके से इसको रीड करना, क्योंकि जो कॉलम्स हैं वो भी बैंडेड कॉलम्स होते हैं, अलग अलग कलर के कॉलम हो सकते हैं, रो ऑटोमेटिकली अलग अलग तरह की बन जाती है और इस तरीके से हम उस डाटा को ठीक से हैंडल रीड कर पाते हैं। ये कैसे हो पाया अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि हम आगे वाली शीट पे चले मैं आपको बताऊं, जो एक्सेल शीट जो हमने पहले वाला वर्किंग देखा वो एक्चुअली टेबल जैसी दिखाई देती है लेकिन वो टेबल है नहीं। उसको हम एक्सेल शीट कह सकते हैं लेकिन वो टेबल बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा वाला वो टेबल है, आप सरप्राइज हो रहे हैं ना, वो टेबल जैसा दिखाई देता है बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ए टेबल, वो एक डाटा रेंज है। उस डाटा रेंज का फंक्शन केवल ये है कि अपने सेल्स में वो डाटा को केवल होल्ड करता है। और जब मैं ये जो टिप आपको बता रहा हूँ इस पे जब आप काम करेंगे तो होगा क्या, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल होंगी, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, फॉर्मेटिंग बहुत क्विक होगी, डाटा एंट्री तो एफर्टलेस नहीं कहना चाहिए बट कैलकुलेशन जो शीट के अंदर कैलकुलेशन की वजह से जो एंट्री है वो बहुत आसान हो जाएगी। शीट के अंदर जो नेमिंग है, एक्चुअली नेमिंग के लिए मैं बाद में वीडियो बनाता हूँ नेमिंग क्या होता है और हमको नेम रेंजेस कैसे यूज करना चाहिए, बट इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो नेमिंग यूज हो जाएगी, वो आगे वाले में आपको पता चले। जो टोटल्स हैं वो अपने आप हो जाएंगे, जैसे अभी आपने देखा जैसे ही हम इसके अंदर में एक टोटल रो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे आती है, टोटलिंग एवरेजिंग वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हेडर्स जो है वो ऑलवेज, इस टिप के बाद में आपको पता चलेगा कि हेडर्स ऑलवेज विजिबल होते हैं और आप कभी भी दिशा भ्रम नहीं होते हैं। कैलकुलेशंस डायनेमिक होती है, जैसे ही मैंने जो भी चेंजेस किए वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर में चेंजेस हो जाते हैं, जो नॉर्मल डाटा रेंज के हम जैसे काम करते रहे उसमें नहीं होते हैं। फॉर्मूले ऑटोमेटिकली नई रो में भी लग जाते हैं और कॉपी करने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही मैं पहले सेल में फॉर्मूला देता हूँ वो
पूरे कॉलम में वो फॉर्मूला ऑटोमेट हो जाता है। और इसी तरीके से इसकी जो प्रिंटिंग है वो भी बहुत क्विक हो जाती है, क्योंकि जो रेंज है, जो प्रिंटिंग का जो रेंज होता है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, मुझे अलग से जाके कहीं करना नहीं पड़ता है। और ये जो ऑसम टिप है वो है एक्सेल टेबल। हमें एक्सेल टेबल बनानी है, इसका तरीका होता है कि हम इसको फॉर्मेट एज टेबल कमांड है उसको हमको यूज करना है। एक्सेल टेबल उसको बोलना चाहिए या फॉर्मेट एज टेबल करना चाहिए। एक्सेल टेबल बहुत ही पावरफुल टूल है ये, लेकिन ये इसको बहुत ही ओवरलुक किया गया है, बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है जो भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इट इज, ये एक नेम्ड ऑब्जेक्ट होता है, नेमिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड अब इसके बाद में आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इसको टिप को फॉलो करने के बारे में बाद में आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो आइए इस पे हम अभी हम चलते हैं टेबल पे। अभी इस पे काम कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो डाटा जैसा हमने शीट टू में किया उस टाइप की टेबल मैंने ऑलरेडी बना के यहाँ पे रखी हुई है। ओके, सो अब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सारे इसके तरीके हैं लेकिन सबसे आसान तरीका, होम टैब पे जब आप स्टाइल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फॉर्मेट एज टेबल। आपको बस इसको क्लिक कर देना है और इसमें बहुत सारे आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी स्टाइल, लाइट स्टाइल्स है, मीडियम स्टाइल्स है या हैवी स्टाइल्स है, इन डार्क स्टाइल्स है, इनको आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस समय फिलहाल मैं आपको मीडियम स्टाइल में ये वाला स्टाइल एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस, ये मुझे पूछता है कि मेरे टेबल में हेडर्स दिए हुए हैं, ये मेरे टेबल की रेंज है, ये ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाता है। हमें सिर्फ इसमें ओके कर देना है और ये देखिए ये टेबल यहाँ पे बन गया है और मुझे इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए मैं जब इसको फ्लो भी कर गया, मेरे हेडर चले गए लेकिन हेडर्स मुझे ऑलवेज यहाँ पे विजिबल दिखाई दे रहे हैं। इसमें जब मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे जब ये डिजाइन टैब में दिखाई देगा कि हेडर रो यहाँ पे लगी है, बैंडेड रोज बैंडेड है, मतलब इसमें कलर्स दिए गए हैं। अगर मैं बैंडेड को हटा देता हूँ तो कलर्स गायब हो जाते हैं, अभी ये बैंडेड हो गई है। टोटल रो अगर आप देखेंगे तो हमें एक टोटल रो चाहिए फाइनली, वो मैं टोटल रो डालने से ये टोटल की रो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। और जब हम इसको अगर आप देखें लास्ट में जाके, अब यहाँ पे मुझे कोई फॉर्मूला लग तो सम का फॉर्मूला जो मैंने लगाया लगाने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन से तो यहाँ पे ये सम आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम को अगर मुझे बैंडिंग करनी है, बैंड लगाना है, तो फर्स्ट कॉलम अलग से हाईलाइट हो जाता है, लास्ट कॉलम भी अलग से हाईलाइट हो जाएगा। अगर बाकी भी जो कॉलम्स है मुझे इनके कलरिंग करना है तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी हम इसको नहीं करते, फिल्टर बटन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं आपने देखा। अब हम इस पे वर्क करके देखते हैं जो मैंने आपके सामने करके दिखाया। हैंडलिंग चार्जेस मैंने जो बताया आपको, बेसिक रेट का मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लाइड बाई हैंडलिंग चार्जेस। ये देखिए मैं फॉर्मूला सिर्फ पहले सेल में लगा रहा हूँ कॉलम की और ये अपने आप सब जगह जाके कॉपी हो गया। कोटेड रेट जो मैंने आपको बताया कि बेसिक रेट प्लस हैंडलिंग चार्जेस, ये ऑटोमेटिकली जाके कैलकुलेट हो गया। सर्विस चार्जेस बाकी रो में यहाँ पे दिस मल्टीप्लाइड बाय कोटेड रेट, ये ऑटोमेटिकली एक सेल में मुझे फॉर्मूला लगाना है, बाकी सब में ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाता है। दिस मल्टीप्लाइड बाय द कोटेड रेट, ये पूरा चला गया। प्राइस ईच इक्वल टू दिस प्लस दिस और ये सब जगह कॉपी हो गया। दिस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, ये सब जगह कॉपी हो गया और आप देखेंगे कि ये जो टोटल है ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। ये जो हमारे हेडर्स, जब मैं टेबल पे आता हूं तो मेरे हेडर्स और हमें मुझे ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहे हैं। अभी ये फिल्टर के बटन्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, अगर मुझे ये देखना है कि मुझे लमसम वाले कौन से अमाउंट्स हैं, कौन से आइटम्स हैं जो लमसम जिनका प्राइस दिए गए तो फिल्टर करना भी कितना आसान हो जाता है। और इसी तरीके से अगर मुझे कोई सॉर्ट करना है, इसको ये मैंने सॉर्ट किया और मैंने इसको कहा कि भाई आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से सॉर्ट कर दीजिए, तो ये फटाक से सॉर्ट हो जाता है, मुझे कुछ भी करना नहीं है बहुत स्पीड में। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेबल को, जो एक्चुअली रेंज है, हम कहते भले ही उसको टेबल है बट वो टेबल होती नहीं है, जब हम टेबल के हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे इतना इजी, अब आपको पता चल गया होगा कि उतना इजी उसको हैंडल करना होता नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू इसका हम देखते हैं, मैं आपको बताऊं मैंने कोई इसकी फॉर्मेटिंग करके नहीं रखी है, प्रिंट प्रीव्यू में ये आ गया। ये जो मेरा रेंज है, ये रेंज
ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मुझे दोबारा से प्रिंट रेंज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और उसको डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए यहाँ पे करता है। और पोर्ट्रेट से हम लैंडस्केप में जाएंगे, बाकी जो भी हमको करना है हम करें, बट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ हाउ दिस हैपन्स। और इस तरीके से हम ये जो प्रिंट टेबल्स फॉर्मेट एज टेबल, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो जाएगा। तो इस वीडियो से हमारे टेक अवे क्या है, वी हैव अंडरस्टूड दैट एक्सेल वर्कशीट इज नॉट अ डेटा टेबल, एक्चुअली इट्स नॉट अ टेबल। और ये हमको बेहतर ये है कि हम यूज़ करें एक्सेल टेबल को या फॉर्मेट एज टेबल को। जब आप अगर कोई इंटरनेट से और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इस जगह तक पहुंचने के और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन होम टैब पे जो मैंने आपको बताया है वो सही तरीका है, इजी तरीका है वहां से। और एक्सपेरिमेंट आप करते रहें अपने काम के ऊपर में। और आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि डाटा शीट शुड बी अ प्योर डाटा, जो मैंने आपको बताया है, कोई मर्जिंग नहीं, डाटा शीट एक प्योर डाटा शीट है। जो भी एनालिसिस करने हैं उसके लिए आप अलग से शीट बनाएं, दूसरी वर्कबुक बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी वर्कशीट पे आप बनाएं। जितना भी रिपोर्टिंग करना है, जितना भी एनालिसिस करना है, उतना करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में इस टाइप की प्रैक्टिकल छोटी छोटी टिप जो मेरे बहुत लंबे काम करने के ऑफिस वर्क में एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा।